जय हिंद। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो दोस्तों, आप सब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सभी क्वेश्चन के सही से आंसर दें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है दमन है, पोर्ट ब्लेयर है, पांडुचेरी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर बी होगा पोर्ट ब्लेयर, उसका राइट आंसर है। पोर्ट ब्लेयर राइट आंसर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? रुपया है, टका है, एन है, इनमें से कोई नहीं। जापान की मुद्रा क्या है? रुपया है, टका है, एन है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एन है। जापान की मुद्रा क्या है? एन है। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे क्या है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गंगा, कृष्णा, गोदावरी। आपको बताना है आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा यमुना नदी किनारे स्थित है। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको क्या बताना है, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 14, 15, 7। तो मित्रों, आपको बताना है रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी, 15 खिलाड़ी। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। प्लस जो हमारे मित्र अभी नए आए हैं वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। तो मित्रों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका होना चाहिए सी ऑप्शन, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और क्या नाम है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, वोट डालने के लिए आपका उम्र होना चाहिए 18 वर्ष। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, फतेहपुर सिकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था? फतेहपुर सिकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था? ए ऑप्शन, अकबर द्वारा। किस शासक द्वारा? अकबर द्वारा। फतेहपुर सिकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था? अकबर द्वारा। फतेहपुर सिकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था? अकबर। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो मित्रों, जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है शुक्र। सबसे गर्म ग्रह क्या है? शुक्र है। नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज, कावेरी, भागीरथी, कृष्णा। तो मित्रों, जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है भागीरथी। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला नंबर क्या कह रहा है, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है मध्य प्रदेश। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अब अगला क्वेश्चन क्या है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, भाला फेंक, बैडमिंटन। तो दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है भाला फेक। भाला फेक राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, APJ अब्दुल कलाम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है गोवा, उसका राइट आंसर है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। अब आ गया हमारा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में देख लीजिए मित्रों, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड, -4 सेंटीग्रेड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 4 सेंटीग्रेड, उसका राइट आंसर है किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 सेंटीग्रेड पर। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होगा? निर्वात में। कहाँ? निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होगा? निर्वात में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है मदर बोर्ड, उसका राइट आंसर है कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदर बोर्ड। चलते हैं हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या है, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? ए पर लिख होता है, यहाँ क्या होना चाहिए? कब? आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? 1975, 1980, 1957, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका 1975 आ रहा है उसका राइट आंसर आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? 1975 में। अगला नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था? मदरफोर्ड, बैकुरल, मैडम क्यूरी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बैकुरल, उसका राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4, CaSO4 इंटू 1/2 H2O, CaSO4 ट्वाइस इंटू H2O, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है CaSO4 इंटू 1/2 H2O, उसका राइट है CaSO4 इंटू 1/2 H2O, उसका राइट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 60%, 0.2%, 21%, 78%। आपको बताना है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 78%, उसका राइट है आंसर है जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 78%, उसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है यकृत, उसका राइट आंसर है यकृत। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सेब है, आम है, आंवला है, दूध है। तो मित्रों आपको बताना है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इसमें क्या रहेगा? आंवला, जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उसका राइट आंसर है आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। अब अगला नंबर क्वेश्चन आ गया। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सर्वग्राही रक्त समूह है? ओ है, AB है, B है, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है AB, सर्वग्राही AB, सर्वदाता ओ। चलते हैं हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, शहतूत का फल है
सोरोसिस, साइकोनस, नट, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है शहतूत का फल है, शहतूत का फल है। तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सोरोसिस, उसका राइट आंसर है सोरोसिस। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नट, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो मित्रों जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मित्रों आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों के पास भी भेज दीजिए। आपके लिए हम डेली 30 प्रश्न लेके आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।